नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड मियोनी। आप एक बार मेरे तरीके से ये मियोनी घर में बनाकर देखोगे तो आप मार्केट से ये मियोनी खरीदना बंद कर दोगे। मार्केट में हम ये मियोनी बहुत ही महंगे दामों में खरीदते हैं, जबकि ये मियोनी हम घर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। मार्केट जैसी क्रीमी ये मियोनी हम घर में बहुत ही कम चीज़ों से बनाने वाले हैं। घर में ये मियोनी बनाना बहुत ही आसान है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम ऐसी मार्केट जैसी क्रीमी टेस्टी मियोनी घर में बहुत ही आसानी से बनाएंगे। मिक्सर का जार लेंगे, यही कटोरी का हम माप रखेंगे। ये कटोरी से हम एक कटोरी ठंडा दूध लेंगे। इसमें हम एक चम्मच शक्कर डालेंगे। इसमें हम आधे चम्मच से भी कम नमक डालेंगे। जो कटोरी से हमने दूध नापे थे वही कटोरी से हम इसमें 2 कटोरी तेल डालेंगे। तेल हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसको हम मिक्सर पे 2 मिनट चला लेंगे। अभी हम इसमें 1 चम्मच व्हाइट विनीगर डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको हम 2 मिनट मिक्सर पे चला लेंगे। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है। मिक्सर के ऊपर में 2-2 मिनट चला के हमें रुकना है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल देना है, देख सकते हैं आप। और इसको हम फिर से मिक्सर पे चला लेंगे। हमने 1 कटोरी दूध लिया था वही कटोरी से हमें इसमें 2 कटोरी तेल डालना है। हमें थोड़ा रुक रुक के ये मिक्सर को चलाना है, नहीं तो ये हमारी मिक्सर गर्म हो जाएंगी। इस तरह हमें रुक रुक के 2 कटोरी तेल इसमें डालते जाना है और ये मिक्सर पे चलाते रहना है, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये मेयोनी अभी धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है। हमें ये मेयोनी को मार्केट जैसा लुक देना है, क्रीमी टाइप। मेयोनी को क्रीमी बनाने के लिए हमें इसको मिक्सर के ऊपर में 5 से 6 मिनट चलाना पड़ेगा। 5 से 6 मिनट मिक्सर पे चलाने के बाद में ये देखिए ये हमारी मेयोनी अभी गाढ़ी हो गई है, देख सकते हैं आप, एकदम क्रीम जैसी बन गई है। हमने 1 कटोरी दूध लिया था और 2 कटोरी हमने तेल लिया था। इसको हमने मिक्सर के ऊपर में 5 से 6 मिनट चला के रुक रुक के चला के एकदम मार्केट जैसे हमने ये मेयोनी बना के तैयार की है। अभी हम इसको 1 कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी मस्त क्रीमी बनी है, देख सकते हैं आप। ये मेयोनी आप पिज्ज़ा, बर्गर या चिप्स किसी के भी साथ आप खा सकते हो। ये देखिए कितनी मस्त बनी है। ये देखिए ये हमारी होममेड मेयोनी कितनी मस्त बन के तैयार हुई है, देख सकते हैं आप। बची हुई मेयोनी हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम मार्केट जैसी मेयोनी हमने घर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम समय में बना लिए हैं। ये मेयोनी हम मार्केट से बहुत ही महंगे दामों में खरीद के लाते हैं, जबकि हम घर में ये मेयोनी बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्चे में बना सकते हैं। आप एक बार मेरे तरीके से ये मेयोनी घर में बना कर देखोगे तो आप मार्केट की मेयोनी खाना भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।